ये जले हुए बर्तन और राख का ढेर बयां कर रहे हैं कि कितने लोगों का जो गुज़र बसर था और उनका आशियाना था वो आग ने उसे जला दिया और पीछे छोड़ दी सिर्फ तबाही के निशान। मैं इस समय मौजूद हूँ जम्मू के मराठा बस्ती में, जहाँ पर रात को लगभग 1 बजे आग लग गई और बहुत ज़बरदस्त आग थी, जिसमें लगभग 150 से 200 झुग्गियाँ जो हैं वो जलकर खाक हो गई। ये जो मैं जिस जगह में बैठा हूँ, ये राम बाबू का छोटा सा आशियाना था, यहाँ पर उनकी झुग्गी थी, अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ बचा नहीं बर्तनों के, तो आप ये जले हुए अवशेष देख रहे हैं, कपड़ा खाना जो भी सामान था पैसे सब जल गए। ऐसा एक परिवार नहीं, ऐसे 150 परिवार हैं जिनकी यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई साफ तौर पर। और क्या वजह क्या मानी जा रही थी जो आग लगी रात को 1 बजे और सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है? हाँ, पहले नींद में सो रहे थे हम लोग। आग लगी थी 1:30 बजे करीब, लोग बंगाली लोग क्या बोलते हैं, वो खाना आपको पका रहे थे, उसका सिलेंडर क्या हुआ था ब्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट होने से उसी के कारण उधर से ब्लास्ट हुआ था, फिर एक और सिलेंडर बगल में। राम बाबू मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितनी कितनी झुग्गियाँ थी टोटल? टोटल कम से कम नहीं होगा तो तो 220 तक ले होगा हमारा गिनती से। अच्छा, तो बंगाली जो आप कह रहे हो ये कौन से बंगाली यहाँ पर है, बर्मा के? बर्मा वाले, पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हैं, हाँ, बांग्लादेशी लोग हैं। यहाँ पे जब से आया है लोग तब से यहाँ पर आगहू सा आग लगा था, वही लोग लगाए थे और सहुओं वही लोग आग लगाए थे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन था जो यहाँ रहता था? हमारा बीवी और बाल बच्चा रहते थे, वो सब कोई है। अच्छा, सामान जल गया, पैसा भी था अंदर? पैसा तो बीवी बचा लिया, झूठ नहीं बोलेंगे। और जो खाना पकाने वाला सामान था, कपड़ा लाता सब जल गया, उसी के कारण हम ये बड़ा कपड़ा नहीं पहने हैं। कपड़ा आप काम क्या करते हो राम बाबू? आप हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम मछली लिया कर रेलवे स्टेशन जो मस्जिद का बाजू में है ना, वहाँ पर मछली लगा कर बिक्री करते हैं। अच्छा, अच्छा मछली। अच्छा, जब ये रात को ये घटना घटी तो उसके बाद कितनी देर के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली गाड़ी पहुँच गई थी? गाड़ी बहुत धीरे बाद आया, पहले उतने 5-6 झुग्गी जल रही थी, तहाँ से 2 घंटा के बाद वो गाड़ी आई थी। अच्छा, 2 घंटा के बाद गाड़ी आई थी। वो पुलिस के पास फोन करते थे, पुलिस वाला आता नहीं था, नंबर काट देते थे। अच्छा, हाँ, नंबर काट देते थे। हाँ, तो साफ तौर पे ये राम बाबू हैं। राम बाबू का यहाँ पर कहें कि कल यहाँ तक ये परिवार इनका इस जगह पे रहता था, ये पूरा एक आप निशानदेही देख सकते हैं यहाँ पर। और सिर्फ एक नहीं, पीछे अगर आप नज़र घुमाएंगे ये हर ओर यहाँ पर ये झुग्गियाँ ही जली हुई हैं साफ तौर पे। और ये जितना ये मंजर है सामने, ये आप देख सकते हैं पेड़ तक नहीं बचे हैं, सब जलकर खाक हो गया। हालांकि इस पूरे घटना में किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो सामान था, कपड़े थे, वो सब जल के राख हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये चावल हैं, ये यहाँ पे शायद खाना बनाने के लिए रखे हुए थे, अपने रसोई थी, और ये रसोई के बर्तन यहाँ सारे पड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मंजू। मंजू, मुझे ये बताओ, आप लोग सो रहे थे जिस समय आग लगी थी, आप यहाँ रहते हो या नहीं रहते हो? हम लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, पंडित मोहल्ले में। तो यहाँ कौन रहता था? यहाँ पे ये लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग, आपका क्या नाम है बच्चे? अनीशा। अनीशा, यहाँ पर जब आग लगी थी तो आप लोग सो रहे थे? हाँ जी। तो मतलब जब शोर शराबा मच गया तो तुरंत जो गाड़ी आग बुझाने वाली गाड़ियों को बुलाते हैं, तो वो कितनी देर के बाद गाड़ी आई? बहुत देर के बाद आई, पूरा जल गया, उसके बाद आई, पूरा खत्म हो गया था भाई। अच्छा, शुरुआत में आग जो है वो कहाँ से लगी थी? किस तरह से? बंगाली वाले से। तो बंगाली मोहल्ले में कितनी झुग्गियाँ थी जहाँ टोटल? वहाँ पता नहीं 200 हो गई उधर पे। अच्छा, तो उसके बाद आग जो एकदम से फैल गई सारी? हाँ जी, सिलेंडर फट गए, पूरा फैल गए आग। जब हम लोग सुना कि ऐसे बम के आवाज आई थी, हम लोग निकल कर देखी कहाँ बम चलने लगा। मैं जब देखी कि इधर तो आग लगी है, इतना 5-6 सिलेंडर फाटी, बस हम लोग निकली अपने बाल बच्चे लेके भाग चली, सामान सारे जर के खाक हो चुकी, यही तो है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका, आपका अपना परिवार का कितना नुकसान? हमारे परिवार के तो सब सुविधा है, मगर सारे सामान जर गए, गिलास तक नहीं है पानी पीने के लिए, सामान कपड़ा सब सारा जर गया है, जो हम लोग तो दे पाए वही है। अभी तक कुछ नहीं मिला, नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला था। बोला लो, 4 मराठी लोग का मोहल्ल जो रहा है, झोपड़ी पूरा मराठी लोग मराठी। ये दो परिवार हैं ये यहाँ पर,
इनसे अभी तक हमने बात की है, लेकिन अगर अब यहाँ नज़र घुमाएंगे चारों ओर ये बर्बादी का मंजर है। और सिर्फ यहाँ पर ये मराठी बस्ती, इसका नाम इसलिए था क्योंकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आते थे जो लेबर क्लास का काम करते हैं, और उसके अलावा बर्मा, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो भी, उनकी भी बस्ती यहाँ बनाई हुई है। ये बर्तन आप देखिए यहाँ पर, ये जो साफ़ तौर पे ये जो मलबे के अवशेष हैं, ये बयां करते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। और ये पेड़ जो यहाँ पर जले हुए हैं साफ़ तौर पर, इन पेड़ों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कितनी ज़्यादा यहाँ पर आग जो है वो भड़की होगी। पानी की गाड़ियाँ फ़िलहाल आई हैं, पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। और कुछ जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँच रही हैं, किसी को वो कपड़ा दे रहे हैं, किसी को वो खाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन सबसे भयावक मंज़र जो है वो उन तमाम छोटे बच्चों के लिए है, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है जो गर्मियों के दिन में कहाँ जाएंगे, जिनके पास कोई आसरा नहीं रहा और सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। ये देखिए पेड़, देखिए पेड़ों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ आग भड़की हुई थी। कुछ बचा नहीं लोगों का, कपड़ा, खाने का सामान, कुछ नहीं बचा साफ तौर पर। और सिलेंडर फटा, क्या वजह थी वो तो जांच के बाद का विषय है, लेकिन ये जो बर्बादी है, ये जो नुकसान हुआ है लोगों का, ये जो है इनको कब तक इसकी भरपाई होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर जो इस तरह से बस्तियां जम्मू में बसी हुई हैं और जब आग लगती है और आग के बाद का कोई यहाँ पर इस तरह का साधन नहीं होता है कि आग भड़क जाए तो आग किस तरह बुझानी है। सामान आप देखिए, ये किसी की रसोई का सामान है, जग पड़ा है यहाँ पर, बर्तन इकट्ठा किए हैं, और ये अवशेष ही कह सकते हैं आप किसी की रसोई का। ये आपका घर था यहाँ पर, ये कौन रहता था यहाँ? हाँ, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज विजय। विजय, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम फिफ्थ में। कौन से स्कूल में? संघर्ष विद्या केंद्र मराठा कॉलोनी। अच्छा, मराठा कॉलोनी में। ये जब आग लगी थी आप जगे थे रात को? हाँ सर, तीन बजे हम इधर ही थे सारे जन। इधर बहुत सारे टैंकर आए थे आग बुझाने, ये तभी आग बुझी थी, नहीं तो ऐसे था या भड़कते ही जा रही थी आग। अच्छा, एक दूसरे के लोग मदद भी कर रहे थे यहाँ पर? हाँ सर, सामान निकालने के लिए। हाँ सर, आपने भी की मदद? हाँ, हमने उस वाले घर से मदद की थी। अच्छा, उधर से हमने सामान जल्दी जल्दी आगे निकाला। हाँ, अच्छा, इसके साथ भी बस्ती है उस तरफ पर? हाँ हाँ, पीछे तो बहुत बस्ती है। तो साफ तौर पे क्या नाम बताया? विजय। विजय, ये बच्चा है विजय, और इसने बहुत बहादुरी का काम किया। छोटे छोटे बच्चे ही इस तरह की मदद करते हैं, और उसने खुद बताया कि जो झुग्गियाँ मैं जल रही थी, मैंने कोशिश की कि एक झुग्गी तक जाऊं और वहां पर जाके मैं जितना सामान हो सके वो मैं बचा सकूं। अब प्रशासन की ओर से यहां पर आला अफसर हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं साफ तौर पर पूरे नुकसान की पैमाइश करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, और लोगों को अगर मुआवजा बांटा जाए तो किस तरह से बांटा जाए, किसका कितना नुकसान हुआ है, ये सारा जो कैलकुलेट कर सरकारी अमला है जो साफ तौर पर वो यहाँ पर पूरा करेगा। और जम्मू के डीसी जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं सामने बिल्कुल, और पूरी ये जो बर्बादी का मंजर है वो खुद यहाँ पर उसका आंकलन करने के लिए आए हैं, कितनी बर्बादी हुई है, कितना लोगों का नुकसान हुआ है, और साफ तौर पे क्या किस तरह से सरकार जो है वो पूरा मुआवजा देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का नुकसान तो हुआ ही है, उसके साथ तौर पे साफ तौर पे यहाँ पर जो जानवर थे जो काफ़ी, वो भी कई पालतू जानवर वो भी इसमें नुकसान हुआ है, वो भी ख़त्म हुए हैं। और ये सिर्फ ऐसी एक बस्ती नहीं है, ऐसी बहुत सारी अस्थाई बस्तियां हैं जो पूरे जम्मू शहर में यहाँ पर अलग अलग समय में यहाँ पे बसाई गई हैं, बनाई गई हैं। और साफ तौर पे कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हम डीसी महोदय से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मंज़र एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये पूरा आग का पूरा ये तांडव यहाँ पर हुआ था। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? शक्ति। कहाँ आप जब आग लगी थी, कहाँ थे आप? सर, 1 बजे आग लगी है रात को, और हवा यहाँ की थी, जब भी आग लगी। हवा तेज चल रही थी? हाँ, तेज चल रही थी सर। पानी बोने वाले आप लोग भी यहीं पे रहते थे या आगे पीछे कहीं रहते? नहीं, हम इधर रहते हैं सर। जो कि आप, हाँ, कितने लोग रहते थे उसमें? उसमें घर वाली है भी। हाँ, आपके? हाँ। क्या कितना नुकसान हुआ होगा आपने? बहुत सारा नुकसान हो गया अभी सर, पता नहीं अभी। पैसे भी जल गए। काम क्या करते थे? काम ऐसे बूट पॉलिश करते हैं। बूट पॉलिश। हाँ, अब जो नुकसान हुआ है भरपाई लगता है कैसे कर पाओगे उसकी? क्या पता अभी सरकार लोग ऐसे ही नहीं कर रही हो, क्योंकि अस्थाई तौर पे यहाँ पे तमाम झुग्गियाँ हैं, ये किसी सरकारी उसमें नहीं आती हैं, कहें कि दायरे में नहीं आती हैं, अस्थाई रूप से बनाई हुई हैं। मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपको लगता है जो जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ मुआवजा तो सरकार ज़रूर देगी? क्या पता सर, अभी मिलना चाहिए बस, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा हो गया। जान माल का नुकसान तो नहीं? नहीं नहीं सर, वो जान माल का नुकसान, सारे भाग गए थे सर, हम सारे भाग गए।
वो पटरी में भाग गए थे सारे। कोशिश की थी सामान अपना बचा सके? नहीं नहीं सर, बहुत भड़क आग बहुत खतरनाक लगी थी, क्योंकि हवा से हवा आके थी ना, जब भी बहुत आग लगी थी। हम उधर पटरी पे, हम पटरी पे सारे भागे उधर। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ आई थी जो आग बुझा रही? आगे थी दो तीन गाड़ी आई थी सर, चार पांच आई थी, पर पूरी बुझ गई थी, पर तब आई थी। आप लोगों ने खुद बुझाई थी लग या अपने आप बुझ गई थी? नहीं, अभी गाड़ी गुड़ी आई थी ना, गाड़ी ने से थोड़ी बहुत बुझा दी थी। पहले तो बहुत काफी लगी थी आग, उसके बाद पूरा बुझ गया, उसके बाद गाड़ी आ गई थी। अच्छा, काफी नुकसान है। लगभग कितने झुकियाँ थी यहाँ? कम से 300-400 झुकी थी। खास तौर पर ये यहाँ पे मराठा लोग भी रहते हैं, बर्मा बांग्लादेशी भी यहाँ? वो है बर्मा वाले की झुकी हमारे उधर। सभी यहाँ पे मतलब मिलजुल के कभी ऐसा तो नहीं था आपस में कोई क्लैश? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, पता नहीं सर यहाँ पे कोई। कुछ ऐसे लोग भी बोल रहे थे कि यहाँ पर इस तरह से कोई लोग आए हैं जिन्होंने आग लगाई, ऐसा कुछ आपको? हाँ, कोई कोई पता नहीं, अभी सर घर में जाके ये बातें हैं सिर्फ, कहीं कहानी वाली पर सर दो तीन बार जल्दी से रही है, पहले भी चली है। तो सरकारी अमला पूरा यहाँ पहुँच रहा है, और डिप्टी मेयर हैं जो बीजेपी की कोटे से, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी महोदय जो हैं उनसे लोग जो है वो गुजारिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं साफ तौर पे, और कोशिश करेंगे हम डीसी साहब से बात करने की कि किस तरह से यहाँ से पूरा ये इनका मुआवजा है वो किया जाए। और पूर्णिमा शर्मा जी हैं साफ तौर पर यहाँ पर जो ये पूरा नुकसान का आंकलन करने के लिए आई हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कि किस तरह से ये सारा मंजर है वो यहाँ पर घटा था, और कितना नुकसान हुआ था यहाँ पर। सरकारी अमला, सरकारी तमला साफ तौर पे अब पहुँचा है देखने के लिए पूरा आंकलन कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर, और डीसी महोदय हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की साफ तौर पे कि क्या कहते हैं वो, किस तरह से पूरा आंकलन करते हैं साफ तौर पे। एक मिनट सर, ये दूसरी बार हुआ है यहाँ पर आग लगी है, और बार बार आग लगती है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स रहेंगे और नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखें, ये दूसरी तीसरी बार हुआ, उसके तो रीजंस अभी देखे जा रहे हैं, इंक्वायरी से निकलेगा, सिलेंडर से हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुआ, क्या हुआ है, उसके बाद में जो भी रिलीफ अंडर रूल्स जो होता है वो प्रॉपर प्रोवाइड की जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं रेड क्रॉस हैं, कुछ एनजीओज हैं, उनको जो प्रॉपर मदद की। साफ तौर पे ये डीसी महोदय ने कहा कि आंकलन पूरा किया जाएगा किस वजह से आग लगी थी और क्या पूरा मजा, आपने बात की डीसी साहब से, क्या कह रहे थे आप? सर जी, हम ये कह रहे हैं कि पूरा समाज आया इधर, पूरा मतलब भी कंपनी वाले आए, पूरे साहब जी आए, बाकी यही कह रहे हैं कि आपकी मदद होगी। आज तक हमारे साहब देखो खाना नहीं बना है, हमारे भूखे बच्चे मर रहे हैं, पानी भी नहीं आया, आ रही है अभी, आई है 2-3 घंटे बाद के आई है। हाथ जोड़ के बिनती है, हमारा गरीबों का कुछ बनना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। साफ तौर पे गरीबों को कुछ बनना चाहिए, और ये तमाम लोग हैं, हर कोई शख्स जो है अपने परिवार वालों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए चिंतित होता है, और चिंतित होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वजह ही ऐसी है, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ इनके आशियाने थे, वो सब जलकर खाक हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ तबाही का मंजर है हर ओर। आप देखेंगे अगर जहाँ नज़र घुमाएंगे, हर तरफ जो जली हुई झुग्गियाँ हैं वही दिख रही हैं, कुछ यहाँ पर इस तरह से बचा नहीं है, कुछ एक आधी झुग्गी जो एक तरफ में एक साइड में बची हुई हैं वही हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर समाज सेवी हैं, वो यहाँ पर पानी बांट रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कब आए थे यहाँ पर और कब तक ये मदद करेंगे, क्योंकि जब नुकसान होता है लोग आगे आते हैं, जो साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रूट बांट रहे हैं, केले बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, और ये पूरा लगभग क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मलिक बैजाद अली है। मुझे ये बताओ आप कितने बजे सुबह जब आए थे आपको ये? सर रात को हम तहसीलदार साहब और मैं कंसर्न पटवारी हूँ यहाँ का, 2 बजे आए थे हम, तो तब से ही हमने यहाँ पे जो है ये जो है जो भी रिलीफ का जो भी अरेंजमेंट इनके लिए है वो हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर जम्मू एंड SDM साउथ। सर कितना लगता है आपको, आपके आंकड़े के हिसाब से कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर हैं जो यहाँ पे 109 और 110 के बीच में, मतलब 110 झुग्गियाँ? हाँ, हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है हम लिस्ट आगे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर डिस्ट साहब और जितना भी उनसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो पाएगा वो हम कर रहे हैं। तो सर ये भी आप इनको केले और पानी दे रहे हैं कि खाने का प्रबंध भी सरकार? हाँ बिल्कुल, खाने का भी हो रहा है, इनका अरेंजमेंट हो रहा है, पानी आ गया है, खाने का जितना बच्चों के लिए हमने केले वगैरह ये फ्रेश जो पानी लाया है हमने, तो उसके अलावा भी जो भी जितना अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, और डिस्ट साहब यहाँ पे मौके पे ही हैं, वो पूरा जायजा ले रहे हैं, उस हिसाब से जितना भी होगा वो आगे होगा। साफ तौर पर तो ये सरकारी अमला है, और साफ तौर पर पानी यहाँ बांट रहे हैं और बच्चों को लिए केले वगैरह दे रहे हैं, लेकिन मंजर काफ़ी भयावह था। रात को जब ये
आग भड़की और हवा चल रही थी, क्योंकि अभी अगर आप इस समय का वक्त देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी हवा चल रही है। और ये पीपल का पेड़ था जो कि पूरा जलकर, यहाँ पर आप देखिए इसके पत्तों की हालत की कितनी आग यहाँ पर धधकी होगी, जो पेड़ जो हरे भरे पेड़ थे उनकी कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्या उनका हश्र हुआ है। किसी के कूलर था यहाँ पड़ा हुआ, बर्तन देखिए ये सारे जले हुए बर्तन हैं। यही अब लोगों का अब यहाँ पर एक किस्म से निशानदेही रहेगी है कि ये मेरे गिलास थे, ये मेरे गिलास के बर्तन थे, किसी के ये किताबों के कागज़ हैं, ये पड़े हुए हैं। साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ म्यांमार रेजिडेंट फॉरन अलॉन्ग विद डाटा। ये जो कागज़ थे जो कहें कि बांग्लादेशी म्यांमार लोगों के जो भरे जाते हैं, वो दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट वो भी इस तरह से जले हैं। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं अपने तरीक़ों से, तो ये दस्तावेज़ हैं। कितने लोग हैं ऐसे बहुत सारे जिनका नुकसान हुआ है, कब जाके वो उनकी भरपाई होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन साफ तौर पर नुकसान बहुत ज़्यादा है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, 44 डिग्री 43 डिग्री की गर्मी जम्मू शहर जो है वो झेल रहा है। और इस भयंकर गर्मी में सबसे ज़्यादा आग का तांडव ही देखा जाता है, जो पूरे शहर में जगह जगह पसरता है। लेकिन झुग्गियाँ बहुत कंजस्टेड होती हैं, छोटी छोटी साथ साथ जली झुग्गियाँ होती हैं, और प्लास्टिक से और शीट से लकड़ियों से बनाया जाता है, तो अगर छोटी सी भी चिंगारी हो तो एक बड़ा आग का गुबार बनने में उसको देर नहीं लगती है साफ तौर पे। और प्रशासन जो है अपनी ओर से पूरी मदद कर रहा है, हालांकि लोगों ने ये कहा था कि फायर ब्रिगेड ज़रूर देरी से आया है, लेकिन अंदाज़ा और अंदेशे के मुताबिक पता नहीं चल पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और कब तक इनके नुकसान की भरपाई होगी। सरकारी अमला पूरा है, लेकिन इसी मराठा बस्ती में पहले भी कई बार आग लग चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर आग लोग फिर आके रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही जगह है लोगों की। धारा 370 और 35 ए की वजह से प्रॉपर्टी परचेज़ कर नहीं पाते हैं, यहाँ के बाशिंदे बनकर रह नहीं सकते हैं, तो इसी तरह की